लॉरेंस बिश्नोई को मारने के लिए बम्बिहा गैंग के बदमाशों ने एक बार फिर से जाल बिछा दिया। एक बार फिर से बम्बिहा गैंग के बदमाशों ने प्लानिंग कर लिया है। एक बार फिर से कहा जा रहा है जेल के अंदर ही लॉरेंस बिश्नोई पर हमला हो सकता है। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे दोस्तों, आखिरकार बम्बिहा गैंग किसके दम पर उछल रहा है, क्यों बार बार बम्बिहा गैंग के बदमाशों को जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश मारता जा रहा है, और बार बार बम्बिहा गैंग का बदमाश जो की कहता है मैं लॉरेंस को छोड़ूंगा नहीं। सवाल ये आता है दोस्तों कि लॉरेंस बिश्नोई के पीछे बम्बिहा गैंग क्यों पड़ा हुआ है, जबकि बम्बिहा गैंग को खुद भी पता है कि लॉरेंस बिश्नोई बहुत ज्यादा मजबूत है। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में गैंगस्टरों की संख्या भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन बम्बिहा गैंग किसके दम पर ये सब कर रहा है, आज के इस वीडियो में आपको जो हम बताएंगे दोस्तों उसे जानकर आप लोगों का भी दिमाग हिल जाएगा। वीडियो को पूरा देखना, लेकिन सबसे पहले आप सबको नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को हमारे तरफ से दिल से सलाम। चलो दोस्तों आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और बताते हैं किस तरह से बम्बिहा गैंग ने इस बार जाल बिछाया। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर से ही भयानक भयानक वारदात को अंजाम देता है। लॉरेंस बिश्नोई का साथी गोल्डी बरार ने बीते कुछ दिनों के अंदर बम्बिहा गैंग को जोरदार झटका भी दिया। आपको पता होगा दोस्तों, हाल ही में बम्बिहा गैंग के दो गैंगस्टरों को मौत के घाट उतार दिया गया। दोनों गैंगस्टरों को गोलियों से भून दिया गया। एक को कनाडा के अंदर मारा गया, दूसरे को हरियाणा के सोनीपत के अंदर मारा गया। बम्बिहा गैंग फिर भी सुधरने को तैयार नहीं है। एक बार फिर से बम्बिहा गैंग के बदमाशों ने ठान लिया है कि वो लोग लॉरेंस को छोड़ेगा नहीं। अब सवाल ये आता है दोस्तों कि लॉरेंस बिश्नोई को मारने के लिए वो लोग इस बार जेल को ही क्यों चुना है, क्यों जेल के अंदर ही लॉरेंस बिश्नोई को इस बार बम्बिहा गैंग मारना चाहता है। आपको बता दूं, पहले भी कई दफा बम्बिहा गैंग के बदमाशों ने लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर हमला करने का सोचा। कई बार दोस्तों बम्बिहा गैंग के बदमाशों ने प्लानिंग करा कि जब लॉरेंस बिश्नोई को कोर्ट में पेशी पर ले जाया जाएगा उसी दौरान उसे गोलियों से भून देंगे। लेकिन दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई जब पेशी पर जाता है उनके साथ इतने सारे पुलिस वाले होते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता कि उस पर हमला कर दें। और बम्बिहा गैंग के बदमाशों ने कई बार प्लानिंग तो करा, लेकिन उन लोगों का प्लानिंग कभी भी कामयाब नहीं हो पाया। इसीलिए दोस्तों इस बार बम्बिहा गैंग के बदमाशों ने सोचा है कि जेल के अंदर ही लॉरेंस बिश्नोई को मार गिराना है। लेकिन सवाल यह आता है दोस्तों कि बम्बिहा गैंग का बदमाश किसके दम पर उछल रहा है। आपको बता दूं, लॉरेंस बिश्नोई का किसी जमाने में जग्गू भगवानपुरिया से अच्छा दोस्ती हुआ करता था। यही है वो गैंगस्टर जिसका नाम है गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया। आपको बता दूं, जग्गू भगवानपुरिया को पंजाब का सबसे अमीर गैंगस्टर कहा जाता था। हालांकि अब जग्गू भगवानपुरिया जेल के अंदर बंद है, लेकिन दोस्तों जग्गू भगवानपुरिया जेल के अंदर से ही अपने कर्मकांडों को अंजाम देता है। आपको बता दूं, लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया ने मिलकर पंजाब के अंदर कई तरह का कांड करा, कई तरह के वारदात को इन लोगों ने अंजाम दिया था। लेकिन दोस्तों साल 2022 में जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई के बीच दुश्मनी हो गया, जब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद जग्गू भगवानपुरिया ने लॉरेंस बिश्नोई के दो साथियों का पता बताया। जब जग्गू भगवानपुरिया ने पंजाब पुलिस के सामने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो बदमाशों के बारे में बताया कि वो दोनों अटारी बॉर्डर पर छिपा हुआ है, और बाद में पंजाब पुलिस ने जाकर उन दोनों का एनकाउंटर कर दिया था। उसके बाद दोस्तों जग्गू भगवानपुरिया के बारे में जब लॉरेंस बिश्नोई को पता चला कि अंदर ही अंदर जग्गू भगवानपुरिया हमारे गैंग के शूटरों को खाए जा रहा है, उसके बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई ने जग्गू भगवानपुरिया को अपना दुश्मन मान लिया था। आपको बता दूं, जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मनी की खबर जब चारों तरफ सोशल मीडिया पर चली, किसी को भी भरोसा ही नहीं हो रहा था। और वैसे भी दोस्तों भरोसा होता कैसे, क्योंकि पंजाब के अंदर जितना भी भयानक भयानक कांड होता था, उस कांड में अगर लॉरेंस बिश्नोई का नाम आता था तो दूसरा नाम जग्गू भगवानपुरिया का भी होता था। और आपको बता दूं, जग्गू भगवानपुरिया कभी किसी से डरता नहीं था। यहाँ तक कि अभी भी जग्गू भगवानपुरिया लॉरेंस बिश्नोई से अलग होने की बात डर नहीं रहा है। आपको बता दूं, जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई के बीच दुश्मनी अभी भी जारी है। साल 2022 में ये दुश्मनी शुरू हुआ, और उसके बाद दोस्तों ये दुश्मनी जो कि दिन ब दिन बढ़ता ही चला गया। अब दोस्तों सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल कर सामने आ रही है, अंदरूनी स्तर से जग्गू भगवानपुरिया लॉरेंस बिश्नोई का दुश्मन गैंग बम्बिहा गैंग का मदद कर रहा है, और जग्गू भगवानपुरिया की मदद से ही बम्बिहा गैंग का बदमाश जो कि उछल रहा है। बम्बिहा गैंग के बदमाशों को ये लगता है कि अगर जग्गू भगवानपुरिया हमारे साथ रहेगा तो हम लोग लॉरेंस बिश्नोई को आसानी से मार गिराएंगे। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, हाल ही में जिस तरह से बम्बिहा गैंग के बदमाशों को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों ने गोलियों से भुना, उसके बाद तो बम्बिहा गैंग के बदमाशों को झटका लगा ही था। लेकिन दोस्तों फिलहाल आपको बता दूं, जग्गू भगवानपुरिया के बारे में कहा जा रहा है वो जेल के अंदर से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों को मारने का प्लानिंग कर रहा है, और वो भी अकेले नहीं बल्कि बम्बिहा गैंग के साथ मिलकर। ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों, जग्गू भगवानपुरिया पंजाब के अंदर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को चलने नहीं देना चाहता, क्योंकि आपको बता दूं, जग्गू भगवानपुरिया किसी जमाने में लॉरेंस बिश्नोई को अपराध का एबीसीडी सिखाया करता था।
लॉरेंस बिश्नोई पहले अपराधी तो था नहीं, और उसने वैसे भी पहले अपराध करना शुरू भी नहीं करा था। उसका कोई मकसद भी नहीं था कि वो गैंगस्टर बन जाए। लेकिन दोस्तों, जग्गू भगवानपुरिया जब से लॉरेंस बिश्नोई के साथ हुआ, जब से लॉरेंस बिश्नोई जग्गू भगवानपुरिया के संपर्क में आया, तब से लॉरेंस बिश्नोई के माध्यम से भी कई तरह का कांड हुआ। और आपको बता दूं, जग्गू भगवानपुरिया जो लॉरेंस बिश्नोई को अपराध का एबीसीडी सिखाया, अब उसी जग्गू भगवानपुरिया का साथ बम्बिहा गैंग दे रहा है, और लॉरेंस बिश्नोई जग्गू भगवानपुरिया का दुश्मनी हो गया है। तो दोस्तों, जग्गू भगवानपुरिया चाहता है कि पंजाब के अंदर केवल उसका नाम चले। लेकिन दोस्तों, जिस गैंगस्टर ने लॉरेंस बिश्नोई को अपराध का एबीसीडी सिखाया, अब उसी गैंगस्टर का दिन ब दिन नाम जो कि नीचे गिरता जा रहा है। और आपको पता होगा दोस्तों, जब किसी आदमी का नाम नीचे गिरता है, किसी का नाम ऊपर उठता है, तो नीचे गिरने वालों को तो बर्दाश्त होता नहीं है। तो जग्गू भगवानपुरिया को भी ये कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई इतना ज़्यादा मशहूर हो जाए। और वैसे भी दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई आज के समय में इतना ज़्यादा फेमस होता जा रहा है, जिसके बारे में जितना चर्चा करो उतना कम है। आज के समय में ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो कि लॉरेंस बिश्नोई को अपना आइडल तक मानना शुरू कर दिया है। हालांकि दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, कई दर्जन अपराध लॉरेंस बिश्नोई गैंग के माध्यम से करा गया है। और लॉरेंस बिश्नोई अभी भी खुद को अपराधी नहीं कहता, बल्कि वो कहता है, मैं तो सच्चा देशभक्त हूँ, मैं तो भगत सिंह का अवतार हूँ, मैं तो भगत सिंह का फैन हूँ। और बहुत सारे लोग जो कि लॉरेंस बिश्नोई को देशभक्त मानते भी हैं। हालांकि दोस्तों, इन सब बातों को बगल करते हम चर्चा करते हैं किस तरह से जग्गू भगवानपुरिया जो कि लॉरेंस बिश्नोई को मारने के लिए बम्बिहा गैंग का मदद कर रहा है। आपको बता दूं, जग्गू भगवानपुरिया के पास बताया जाता है अवैध तरीके से कमाया गया बहुत पैसा है, और बहुत पैसा होने के कारण ही बम्बिहा गैंग के बदमाशों का ये मदद भी कर पा रहा है। जग्गू भगवानपुरिया के बारे में बताया जाता है ये चरस गांजा का भी धंधा करता है। ना केवल इतना, बल्कि दोस्तों, ड्रग्स का तस्करी जग्गू भगवानपुरिया के माध्यम से पिछले कई वर्षों से चल रहा है। आपको बता दूं, पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अंदर और भी अलग अलग राज्यों के अंदर जग्गू भगवानपुरिया ड्रग्स का कारोबार करता है। और जग्गू भगवानपुरिया के बारे में बताया जाता है जेल के अंदर से ये ड्रग्स का धंधा करके खूब पैसे छापता है। और दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई कई दफा जग्गू भगवानपुरिया को ड्रग्स का धंधा बंद करने के लिए भी बोला, लेकिन जग्गू भगवानपुरिया को तो पैसों की लत लग चुकी है। जग्गू भगवानपुरिया को इन सब चीजों से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि हमारे देश के युवा बर्बाद हो या फिर ना हो, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में कहा था, मैं कभी नहीं चाहता हमारे देश के युवा बर्बाद हो जाए, मैं कभी नहीं चाहता कि हमारे देश के युवा गलत रास्ते पर चले जाए, मैं कभी नहीं चाहता कि हमारे देश के युवा नशाबाज बन जाए। तो दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई तो ड्रग्स का कभी भी सेवन नहीं करता, ना ही ड्रग्स लेने वालों का ये समर्थन करता है, और ना ही ड्रग्स का धंधा करने वालों का ये समर्थन करता है। आपको बता दूं, लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर रहने के बावजूद भी हनुमान चालीसा का पाठ करता है। तो ये सब चीज़ है लॉरेंस बिश्नोई को लेकर। लेकिन दोस्तों, जग्गू भगवानपुरिया के बारे में कहा जा रहा है, वो जो इनके पास पैसे हैं, उन्हीं पैसों की मदद से ये बम्बिहा गैंग का साथ देकर खतरनाक हथियार मंगवाकर ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों का मर्डर भी करना चाहता है, और जेल के अंदर ये लोग लॉरेंस बिश्नोई को भी मारना चाहता है। आपको बता दूं दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई को मारने के लिए पिछले कई बार बम्बिहा गैंग के बदमाशों ने प्रयास करा, यहाँ तक कि बहुत सारे बम्बिहा गैंग के बदमाशों को इस चक्कर में गिरफ्तार भी करा गया। लेकिन दोस्तों, बम्बिहा गैंग का बदमाश सुधरने को तैयार नहीं है। आपको बता दूं, बम्बिहा गैंग का मदद आज के समय में एक तरफ गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया कर रहा है, तो दूसरे तरफ दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर नीरज बवाना भी मदद कर रहा है। वैसे आपको बता दूं, गैंगस्टर नीरज बवाना जो कि जग्गू भगवानपुरिया से पहले भी बातचीत कर चुका है, बताया जाता है जब गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई का दुश्मनी हुआ, उस वक्त से ही बम्बिहा गैंग और नीरज बवाना गैंग के बदमाश जो कि जग्गू भगवानपुरिया से संपर्क साधना चाहता था। हालांकि बहुत दिन तक जग्गू भगवानपुरिया इन लोगों का मदद नहीं किया, लेकिन दोस्तों, जब जग्गू भगवानपुरिया ने देखा कि लॉरेंस बिश्नोई कभी इसे माफ करने वाला नहीं है, तो अब जग्गू भगवानपुरिया अंदर ही अंदर लॉरेंस बिश्नोई के साथ छल कर रहा है। ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जग्गू भगवानपुरिया जेल के अंदर फील्डिंग सेट कर सकता है, जेल के अंदर लॉरेंस बिश्नोई को मारने के लिए खतरनाक साजिश रच सकता है। हालांकि फिलहाल दोस्तों, सबसे बड़ी अपडेट ये भी निकल कर सामने आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल सुरक्षित है, और कहा जा रहा है दोस्तों, जेल के अंदर लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। जब से पंजाब पुलिस को इस बात की खबर लगी है कि लॉरेंस बिश्नोई को बम्बिहा गैंग के बदमाश मारना चाहते हैं, वो भी जेल के अंदर, उसके बाद से दोस्तों पंजाब पुलिस ने सुरक्षा को और भी ज़्यादा सख्त कर दिया है, और फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर जेल के अंदर हमला कर पाना जो कि एक तरह से कह सकते हो नामुमकिन है, असंभव। लेकिन दोस्तों, पंजाब पुलिस का कहना है कि पंजाब के अंदर से इन बदमाशों का खात्मा कर देंगे। हालांकि दोस्तों, जिस तरह से जग्गू भगवानपुरिया बम्बिहा गैंग का मदद कर रहा है, और जिस तरह से नीरज बवाना भी अब जग्गू भगवानपुरिया से मिल गया है, तो सवाल ये आता है कि क्या जग्गू भगवानपुरिया गैंग, नीरज बवाना गैंग और बम्बिहा गैंग
ये तीनों गैंग मिलकर लॉरेंस बिश्नोई का खात्मा कर देगा, ये तो वक्त ही बताएगा। तो फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने बता दिया गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के बारे में, किस तरह से वो जेल के अंदर बैठकर अब खुफिया साजिश रच रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी दोस्तों सूत्रों के हवाले से जो भी जानकारियां निकल कर सामने आ रही थी मैंने आपको बता दिया। और दोस्तों देखो, मैं कभी नहीं चाहता हूं कि कहीं भी किसी भी जगह पर कोई भी अपराधी अपराध करे। मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि आप लोग कभी भी किसी भी अपराधी का समर्थन करो, किसी भी अपराधी का समर्थन नहीं करने का। आप लोग न्यूज़ सुनते हो, अच्छी बात है न्यूज़ सुनो, लेकिन कभी भी गलत काम नहीं करना है, गलत रास्ता नहीं चुनना है, अच्छा काम करो, अच्छा रास्ता चुनो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी दोस्तों हमारा एक नया फेसबुक पेज है जिसका नाम है रियल सरकार भाई, यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यही है हमारा न्यू फेसबुक पेज जिसका नाम है रियल सरकार भाई। प्लीज आप लोगों से निवेदन है, जाइए आप लोग इस फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, अपने भाई को प्यार दीजिए, वहां भी हम आप लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, राम राम सारे भाइयों को, मिलता हूं अगले नए वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय श्री राम।